Good morning, students. After having an idea about the political and administrative divisions of India in the previous lecture, we'll look into the physical divisions of India. India has very distinct physical features that divides the country into five main divisions. The first is the Northern Mountains, the second one is the Northern Plains, the third one is the Great Indian Desert, the Peninsular Plateau, and the last, fifth one, is the Coastal Plains and Islands. Now let us see each one of them in detail. Now let us see about the Northern Mountains. The Northern Mountains consist of two ranges, Karakoram and Himalayas. A range is a group of mountains. So, सबसे पहले देखते हैं काराकोरम रेंजेस के बारे में. काराकोरम इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है, जो लद्दाख से होते हुए तिब्बत तक जाते हैं. तिब्बत में इसे कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है. और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स की. हिमालयन रेंज काराकोरम रेंज के साउथ में लोकेटेड है. हिमालयस वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन रेंज है. हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स तीन डिफरेंट माउंटेन रेंजेस को मिलाकर बनी है. ये माउंटेन रेंजेस है, फर्स्ट वन इज हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालया, सेकेंड हिमाचल और मिडिल हिमालया, एंड थर्ड वन इज शिवालिक और द आउटर हिमालयस. तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाद्री माउंटेन रेंज की. हिमाद्री हिमालयन माउंटेन रेंज की नॉर्थन मोस्ट रेंज है. इस रेंज को ग्रेटर हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है. वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक्स जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी और त्रिशूल हिमाद्री रेंज में ही लोकेटेड है. फेमस रिवर्स जैसे गंगा और यमुना भी इसी रेंज से निकलती है. तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हिमालयस की सेकेंड माउंटेन रेंज दैट इज द हिमाचल के बारे में, जिन्हें हम मिडल हिमालयस भी कहते हैं. यह रेंज हिमाद्री के साउथ पर लोकेटेड है. पीर पंजल और दोलाधर हिमाचल की इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस है. इस रेंज यानी कि हिमाचल माउंटेन रेंज में बहुत सारे हिल स्टेशन भी है, जैसे कि शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग और गैंगटॉक. तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द नेक्स्ट रेंज के बारे में, जो है शिवालिक्स. शिवालिक्स हिमालय की सदर्न मोस्ट रेंज है, मतलब कि यह रेंज सबसे नीचे है. इस रेंज में बहुत सी ब्रॉड वैलीज है. वैलीज आर लो लाइंग एरियाज बिटवीन द टू माउंटेंस और वहाँ से यूजुअली रिवर्स पास होती है. उस ब्रॉड वैलीज को हम डूनस कहते हैं. देहरादून इज वन सच वैली. After studying about the northern mountains, let us know about the next main division of the Indian subcontinent, that is the northern plains. Northern plains Indian subcontinent ka sabse bada yani extensive aur fertile yani ki upjau region hai. Ye region bahut fertile hai kyunki yahan ki land alluvium se bani hai, jo फार्मिंग के लिए बहुत ही फर्टाइल सॉइल मानी जाती है. ये एल्यूवियम सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स में कई रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू डिपॉजिट होती है. यहाँ की तीन मेन रिवर्स है, द इंडस, द गंगा
एंड द ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरीज। हमने देखा कि नॉर्थर्न प्लेन्स बहुत ही फर्टाइल रीजन है और ये एरिया फार्मिंग के लिए बहुत सूटेबल है, इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। द नॉर्थर्न प्लेन्स इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, क्योंकि यहाँ की सॉइल फार्मिंग के लिए हाईली सूटेबल है। यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व है, यानी कि देयर मेन ऑक्यूपेशन इज़ फार्मिंग। नॉर्दर्न प्लेन्स के एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड होने का एक और भी रीज़न है, और वो ये है कि यहाँ की लैंड फ्लैट एंड लेवल्ड है, इसीलिए यहाँ घर रोड्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी रहता है। After having an idea about the mountains and plains in India, let us discuss in detail about the Great Indian Desert. The Great Indian Desert India के western part में located है, इसको Thar Desert भी कहते हैं। ये desert Aravalli Hills के western side पर है और western Rajasthan से लेकर Pakistan तक extend करता है। Thar Desert ड्राई, हॉट और सैंडी है, यानी बारिश न होने की वजह से ये एक ड्राई रीजन है। यहाँ पर बहुत गर्मी भी होती है। मोस्ट ऑफ इट्स रिवर्स एंड स्ट्रीम्स आर लॉस्ट इन द सैंड्स, देयरफॉर द वाटर इज स्कार्स, सो इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। यहाँ तो ड्रिंकिंग वाटर की भी स्कार्सिटी रहती है। Salt water lakes like the Sambhar Lake are found in this region. Now let us know about the Peninsular Plateau. India ka Peninsular Plateau Northern Plains ke south mein located hai. It is believed to be the oldest landmass of India. Peninsular Plateau ट्राइंगल शेप का है और हाईली अनइवन है। पेनिनसुलर प्लेटो के एरिया में बहुत सारे हिल रेंजेस और वैलीज है। रिवर नर्मदा इस प्लेटो को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, सेंट्रल हाइलैंड्स और डेक्कन प्लेटो। नाउ समथिंग अबाउट द सेंट्रल हाइलैंड्स। सेंट्रल हाइलैंड्स पेनिनसुलर प्लेटो के नॉर्थ में लोकेटेड है। इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स रेंजेस और साउथ में विंध्याज माउंटेन रेंजेस है। सेंट्रल हाइलैंड्स पर मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड और छोटा नागपुर प्लेटोज है, और यहाँ की मेन रिवर्स है चंबल, बेटवा, सोन, केन और दामोदर। एंड नाउ अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, दैट इज द डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो पेनिनसुलर प्लेटो के साउथ में लोकेटेड है। डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ साइड पर सतपुरा रेंजेस, महादेव हिल्स, मैकल्ला हिल्स और केमूर हिल्स है। ईस्टर्न घाट्स इस प्लेटो की ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करता है, यानी कि डेक्कन प्लेटो की, और वेस्टर्न घाट्स डेक्कन प्लेटो की साउथ वेस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करता है। वेस्टर्न घाट्स को हम सहयाद्रीज भी कहते हैं। वेस्टर्न घाट्स ऑलमोस्ट कंटिन्यूस रेंज ऑफ माउंटेन है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स ब्रोकन और अनइवन माउंटेन्स है। बोथ वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स साउथ में नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं। नीलगिरी हिल्स को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। सतपुराज और विंध्यास यहाँ के इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, और नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी इस प्लेटोज की इम्पोर्टेंट रिवर्स है। नर्मदा और तापी रिवर्स
अरेबियन सी में फ्लो करती है, वाइल महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये रिवर्स बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है। इन पेनिनसुलर प्लेटोज पर रिच अमाउंट्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स भी है, मतलब कि इन एरियाज में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। मेनली यहाँ कॉल और आयरन ओर पाए जाते हैं। आफ्टर नोइंग अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटोज, लेट अस स्टडी अबाउट द कोस्टल प्लेन्स। इसके अंडर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि कोस्टल प्लेन्स किसे कहते हैं। कोस्ट यानी कि समुद्र का किनारा और प्लेन्स यानी फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड। तो कोस्टल प्लेन्स हुआ वो फ्लैट लैंड जो सी कोस्ट पर फॉर्म्ड है। इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पर कोस्टल प्लेन्स है जो डेक्कन प्लेटो की दोनों साइड्स पर है। इंडिया में कोस्टल प्लेन्स गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक 6,100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करते हैं। इंडियन कोस्टल प्लेन्स वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डिवाइडेड है। वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कैप कॉमरिन या तो जिसे कन्याकुमारी भी कहते हैं वहाँ पर मिलते हैं, जो कि इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट टिप है। तो अब देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स काफ़ी नैरो है। इसके नॉर्थर्न पार्ट को कोंकण कोस्ट कहते हैं और सदर्न पार्ट को मलाबार कोस्ट। तो अब देखते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। ये प्लेन्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की कंपैरिजन में ब्रॉडर यानी कि चौड़े हैं। ये प्लेन्स में कई सारी रिवर्स फ्लो करने की वजह से काफ़ी सारे डेल्टास फॉर्म होते हैं। यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये चार मेन रिवर्स फ्लो करती है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्दर्न सिर्कर्स और सदर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। आफ्टर स्टडिंग अबाउट द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, लेट अस हैव अ लुक एट द आइलैंड्स इन इंडिया। आइलैंड लैंड के उस पार्ट को कहते हैं जिसके चारों ओर पानी है, यानी कि चारों ओर वो लैंड एरिया पानी से घिरा हुआ है। दो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इंडिया का पार्ट है, वो दोनों पार्ट है। फर्स्ट वन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइलैंड्स केरला कोस्ट की तरफ बना हुआ है और ये एक कोरल आइलैंड है जो कोरल रीफ से बनते हैं, और ये कोरल रीफ्स टाइनी सी एनिमल्स और उनके रिमेन्स उनके डेड बॉडीज से बनते हैं, और पूरा आइलैंड ऐसे कोरल रीफ से बना हुआ है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आफ्टर हैविंग एन आइडिया अबाउट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविशंस ऑफ इंडिया, इन द प्रीवियस लेक्चर वी लुक इनटू द फिजिकल डिविशंस ऑफ इंडिया। इंडिया हैज वेरी डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर्स दैट डिवाइड्स द कंट्री इनटू फाइव मेन डिविशंस। द फर्स्ट इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द सेकेंड वन इज द नॉर्दर्न प्लेन्स, द थर्ड वन इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेटो एंड द लास्ट फिफ्थ वन इज द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। Now let us see each one of them in detail. Now let us see about the northern mountains. The northern mountains consist of two ranges,
Karakoram and Himalayas. A range is a group of mountains. So, सबसे पहले देखते हैं काराकोरम रेंजेस के बारे में. काराकोरम इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है जो लद्दाख से होते हुए तिब्बत तक जाते हैं. तिब्बत में इसे कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है. और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स की. हिमालयन रेंज काराकोरम रेंज के साउथ में लोकेटेड है. हिमालयस वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन रेंज है. हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स 3 डिफरेंट माउंटेन रेंजेस को मिलाकर बनी है. ये माउंटेन रेंजेस है, फर्स्ट वन इज हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालया, सेकेंड हिमाचल और मिडिल हिमालया, एंड थर्ड वन इज शिवालिक और द आउटर हिमालयास. तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाद्री माउंटेन रेंज की. हिमाद्री हिमालयन माउंटेन रेंज की नॉर्थन मोस्ट रेंज है. इस रेंज को ग्रेटर हिमालयास के नाम से भी जाना जाता है. वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक्स जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी और त्रिशूल हिमाद्री रेंज में ही लोकेटेड है. फेमस रिवर्स जैसे गंगा और यमुना भी इसी रेंज से निकलती है. तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हिमालयस की सेकेंड माउंटेन रेंज दैट इज द हिमाचल के बारे में, जिन्हें हम मिडल हिमालयस भी कहते हैं. यह रेंज हिमाद्री के साउथ पर लोकेटेड है. पीर पंजल और दोलाधर हिमाचल की इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस है. इस रेंज यानी कि हिमाचल माउंटेन रेंज में बहुत सारे हिल स्टेशन भी है, जैसे कि शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग और गैंगटॉक. तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द नेक्स्ट रेंज के बारे में जो है शिवालिक्स. शिवालिक्स हिमालय की सदर्न मोस्ट रेंज है, मतलब कि यह रेंज सबसे नीचे है. इस रेंज में बहुत सी ब्रॉड वैलीज है. वैलीज आर लो लाइंग एरियाज बिटवीन द टू माउंटेन्स और वहाँ से यूजुअली रिवर्स पास होती है. उस ब्रॉड वैलीज को हम डून्स कहते हैं. देहरादून इज वन सच वैली. आफ्टर स्टडिंग अबाउट द नॉर्दर्न माउंटेन्स, लेट अस नो अबाउट द नेक्स्ट मेन डिविजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा यानी एक्सटेंसिव और फर्टाइल यानी कि उपजाऊ रीजन है. ये रीजन बहुत फर्टाइल है क्योंकि यहाँ की लैंड एल्यूवियम से बनी है, जो फार्मिंग के लिए बहुत ही फर्टाइल सॉइल मानी जाती है. ये एल्यूवियम सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स में कई रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू डिपॉजिट होती है. यहाँ की 3 मेन रिवर्स है, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज. हमने देखा कि नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत ही फर्टाइल रीजन है और ये एरिया फार्मिंग के लिए बहुत सूटेबल है, इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है. द नॉर्दर्न प्लेन्स इज अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया क्योंकि यहाँ की सॉइल फार्मिंग के लिए हाईली सूटेबल है. यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व है, यानी कि देयर मेन ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग. नॉर्दर्न प्लेन्स के एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड होने का एक और भी रीज़न है और वो ये है कि यहाँ की लैंड फ्लैट एंड लेवल्ड है, इसीलिए यहाँ घर, रोड्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी रहता है.
After having an idea about the mountains and plains in India, let us discuss in detail about the Great Indian Desert. The Great Indian Desert India ke western part mein located hai. Isko Thar Desert bhi kehte hai. Ye desert Aravali Hills ke western side par hai aur western Rajasthan se lekar Pakistan tak extend karta hai. Thar Desert ड्राई हॉट और सैंडी है, यानी बारिश न होने की वजह से ये एक ड्राई रीजन है. यहाँ पर बहुत गर्मी भी होती है. मोस्ट ऑफ इट्स रिवर्स एंड स्ट्रीम्स आर लॉस्ट इन द सैंड्स, देयरफॉर द वाटर इज स्कार्स, सो इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन. यहाँ तो ड्रिंकिंग वाटर की भी स्कैर्सिटी रहती है. Salt water lakes like the Sambhar Lake are found in this region. Now let us know about the Peninsular Plateau. India ka Peninsular Plateau Northern Plains ke south mein located hai. It is believed to be the oldest landmass of India. Peninsular Plateau triangle shape ka hai और हाईली अनइवन है. पेनिनसुलर प्लेटो के एरिया में बहुत सारे हिल रेंजेस और वैलीज है. रिवर नर्मदा इस प्लेटो को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, सेंट्रल हाइलैंड्स और डेक्कन प्लेटो. नाउ समथिंग अबाउट द सेंट्रल हाइलैंड्स. सेंट्रल हाइलैंड्स पेनिनसुलर प्लेटो के नॉर्थ में लोकेटेड है. इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स रेंजेस और साउथ में विंध्याज माउंटेन रेंजेस है. सेंट्रल हाइलैंड्स पर मालवा, बुंदेलखंड, भागलखंड और छोटा नागपुर प्लेटोज है. और यहाँ की मेन रिवर्स है चंबल, बेटवा, सोन, केन और दामोदर. एंड नाउ अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, दैट इज द डेक्कन प्लेटो. डेक्कन प्लेटो पेनिनसुलर प्लेटो के साउथ में लोकेटेड है. डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ साइड पर सतपुरा रेंजेस, महादेव हिल्स, मैकल्ला हिल्स और केमूर हिल्स है.